नहमदून सल रसूल करीम अकुम आज हम तीन सूरतें पढ़ेंगे सूरह सबा सूरह फातिर और सरह यासिन कुरान मजीद की चौंतीसवीं पैंतीसवीं और छत्तीसवीं सूर ये सूरतें क़ुरान मजीद की सूरतों के पाँचवें ग्रुप का आगाज़ हैं पाँचवें ग्रुप का आगाज़ सूर सबा से होता है इस ग्रुप में सोलह सूरतें हैं जिनमें से तेरह मक्की हैं और आखिरी तीन मदनी हैं इन सूरतों का जो मुनफरद मजमून है वो तोहद का इस्बात है इन सूरतों में पिछले ग्रुप की अक्सर ग्रुप्स की सूरतों की तरह इंज़ार का मजमून है क्रैश के लीडर्स को ख़बरदार किया गया है कि अगर उन्होंने अपना रवैया इसी तरह से जारी रखा तो वो अल्लाह के यहाँ सज़ा पाएंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी और अहले ईमान को इस बात पर खुशखबरी दी गई है उनकी हौसला अफज़ाई की गई है कि अगर वो अपने ईमान और नेक आमाल के तरीक़े को जारी रखेंगे तो उनके लिए दुनिया और आखरत में कामरानी कामयाबी है पहली दो सूरतें सूर सबा और सूर फातिर ये जोड़ा सूरतें इनमें खिताब क्रैश से है और इसमें अल्लाह ताला ने वो तमाम मजामीन के जो इस ग्रुप के मजामीन हैं आ, मक्की सूरतों के उनको बयान किया है आगे चल के हम ये देखेंगे कि इस ग्रुप में अल्लाह ताला ने चार मराहिल को आ, बयान किया है ये सूरतें जो मक्की सूरतें और मदनी सूरतें हैं वो इजार आम के बाद इतमाम हजत उसके बाद हजरत बरात और आखिर में तजिकिया और तथहर तक इस ग्रुप की सूरतें जाएंगी। ये पहली दो सूरतें उस मरले से ताल्लुक़ रखती हैं कि जो मरलांाराम है सबसे पहली सूर सूर सबा है आफज़बिल्ल हिमन शैतानरजीम बसमलर रहीम अलहमदल्लाज़ी माफिस समावती व माफिल अर्थ तमाम शुक्र और तारीफ उसकी की है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो सब उसी का है वहमद फिल आखरा और उसी की हमद आख़रत में भी होगी आखरत में भी वो तारीफ़ किया जाएगा ख़बीर और वो हकमत वाला है बाबर है यामुमा यजुफिलर्थ वो जानता है जो कुछ भी ज़मीन के अंदर दाखिल होती है चीज़ वमा यख रजुमिन और जो उससे निकलती है वमा यनजिलसमाय और जो आसमान से चीज़ें उतरती हैं वमा या रजुफ़ी हा और जो उसकी तरफ चढ़ती हैं व हुर रहीमफ़ूर उसकी रहमत हमेशा के लिए है वो मखफ़रत करने वाला है आयत नंबर सात में अल्लाह ताली फ़रमा रहे हैं वाली कफ़रू और कहाँ उन लोगों ने कि जिन्होंने इनकार किया अल नदुल्लुकुम क्या हम तुमको बताएं? अला रजुल्न एक ऐसे इंसान के बारे में यूनब मुज्जिक तुम कुल्ला मुमज्जिक जो तुम्हें इस बात की खबर दे रहा है कि जब तुम बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे इन नकुम लफी खलकिन जदीद तो अज्सर नौ तुम एक नई खिलकत में पैदा होगे उठाए जाओगे अफतरा कजबा उसने अल्लाह पर झूठ बांधा है अम ही या उसको किसी किस्म का जुनून हो गया है फरमाया कि भले लज़ी निनु न बिल आखिरा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि वो लोग के जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते फ़िलजाबी वजदलाबैद वलाबईद वो अजाब से दो चार होंगे और वो इस दुनिया में दूर की गुमराही में मुब्तला हो गए हैं फरमाया अफलम यऊ माँ बीना आईदीम बमा ख़लफ़म क्या उन्होंने नहीं देखा अपने आगे और जो कुछ उनके पीछे है मेरा समाई वाला आसमान में और ज़मीन में इन नशा नक्सिफ़ बेहमलारद अगर हम चाहें तो इनको ज़मीन में धसा दें और नुस्कत अलैहिम के सफ़म या आसमान से कुछ टुकड़े इनके ऊपर गिरा दें इन नफ़ी ज़ाल का लाया इसमें बड़ी निशानी है लिकुल अब्दम मुनीब उन लोगों के लिए कि जो मुतवजह होने वाले हैं आयत नंबर दस में फरमाया वलका आतना दाऊदा मिन्ना फ़जला और हमने दाऊद को अपने ख़ास फजल से नवाजा ये खास तौर पर दाऊद और सुलेमान सलेमानसलम का जिक्र कुरान मजीद में आता है क़्रैश मक् को बताने के लिए कि वो जिस चौधराहट जिस जिस दौलत पर इतने ज़्यादा मतकबर हो गए हैं कि वो हमारे पैगाम को इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके ख्याल में ये उनके ऊपर उतारा गया है कि जो दुनियावी लिहाज से उनसे कमतर हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि इनसे कहीं बढ़ कर वो बादशाह थे जो अल्लाह के पैगम्बर भी थे लेकिन नहायत शुक्र गुज़ार थे और अल्लाह के आगे आजजी और इनकसारी इख्तियार करते थे फरमाया कि हमने दी दाऊद को अपनी जानब से फ़जल हमने अता किया या जिमालु अव भी माहू व तैर और ये कहा है पहाड़ों तुम भी इसके साथ तस्वीर में शरीक हो जाओ और परिंदों को भी यही हुक्म दिया व अलन्ना लहुल हदीद और हमने लोहे को उसके लिए नरम कर दिया फरमाया अन साबिगातिन गातिन के ढीली ढाली जरहें बनाओ वदर फर्द और उनके जोड़ पैसता रखो वामलू साल और अच्छे नेक नकाम करो इन्नी बीमा तमलू न बसी जो कुछ तो अमल करते हो हम उसको देखते हैं अल्लाह की दी हुई नमतों से फ़ायदा उठाओ तरक्की करो सनतें बनाओ और अल्लाह का शिक्र अदा करो नकाम करो भले सुलेमान री है और इसी तरह से हमने सुलेमान के लिए हवा को खिदमत में लगा दिया मुशर कर दिया गहा शहर व रवा हुआ शहर उसका जाना भी महीने भर का और आना भी महीने भर का होता था कि माए लहू वसून अ़तर और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया यानी तांबे को मोम कर दिया उसको उसके लिए बहता हुआ कर दिया अमीन जिन्नी मैया मलू मैना यदही बेज़न रबी और जिन्नात में से भी उसके लिए हमने ख़िदमत में लगा दिए बहुत से जो उसके रब के हुक्म से उसके हुजूर में ख़िदमत करते अमई यज़ मिन अन अमरना और इन जिन्नों को ये हुक्म था कि इनमें से जो हमारे हुक्म से हुम अदूली करेगा नज़िक हूँ मिन अजाब सैर तो हम उसको दोज़ख़ का अजाब चखाएँगे या मलू नशा वो उसके लिए बनाते जो वो चाहता मिम महारीब व तमासिल व जफ़ान व जफ़ानिन कलजवाब वाससियात महराबे मुजस्मे हौजों के मानंद लगन और लंगर अंदाज देगें इसके साथ हमने कहा ए मलू अला दाऊद शुक्र तुम ए दाऊद के ख़ानदान वालों शुक्र गुज़ारी के साथ अमल करो व कलीलुम वलीबाद शकूर और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े ही हैं फलम्मा कदैना अल मौत फिर जब हमने उस पर मौत का फैसला नाफिज कर दिया मादल अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्द तो उनको उसकी मौत से आगाह नहीं किया मगर जमीन के कीड़े ने ताकुलु मिन मिनसात उसके असा को वो खाता था फलम्मा खर्रा फिर जब वो गिर पड़ा जिन तो जिन्नों पर ये बात वाजे हुई अल गैब कि अगर वो गैब को जानने वाले होते माँ आज़ाबिल मुहन तो वो इस जिल्लत के अज़ाब में न पड़े रहते कि उनके आका ने उनको हुक्म देना शुरू किया और इस दौरान में वो दुनिया से रुखत हो गए और न जाने कितना अरसा गुज़रा और वो यही समझे कि वो ज़िंदा हैं और वो अपना काम करते रहे अगर वो गैप के जानने वाले होते तो उनको उनके इंतकाल की खबर फ़ौर ही हो जाती लकत कान अल सभा फ़ी मस्कन ही माया और सबा के लिए भी इस उनके बस्ती में मस्कन में बहुत बड़ी निशानी मौजूद थी जन्नतानी आला यमीन व शिमाल दाने और बाएँ दोनों जाने बाग़ों की दो कतारें थीं कुलु मरस् रब कुम तुम अपने रब के रिज्क में से खाओ पशक्रूला और उसका शुक्र अदा करो बल्दतन तयबा ज़मीन शादाब रब्बुन गफूर शादाब और ज़रखेज़ और मखफ़रत करने वाला बख्शने वाला रब इससे ज़्यादा इंसान और क्या तमन्ना कर सकता है फरमा फ़आरदू तो उन्होंने एराज किया सरताबी की फारसलना हिम सैल सैलआरम तो हमने उन पर बंद का सैलाब भेज दिया यानी बंद टूटा पानी आया व बदल ना हम बिजन्नत हिम जन्नतिन और हमने उन दो बागों को दो ऐसे दूसरे बागों से बदल दिया जवात उकुलन ख़मतन जिन में बदमज़ा फल थे व असरन व शैमिन सदरन ख़लील और झाओ और बेरी के कुछ झाड़ियाँ रह गई थीं उसके अलावा उनके वो सारे बाग उजड़ गए वीरान हो गए ज़ाले का जजैना उम बेमां कफ़रू ये है हम ये हमने उनको इस वजह से बदला दिया कि उन्होंने नाशिक्री की इल्ल कफ़ूर और हम ये बुरा बदला ना को नाशुक्रों के अलावा भी किसी को देते हैं ये तो उन्हीं के लिए है जो ना शुक्री करते हैं वजालना बीन हम व बैन अरलती बारकना फीहा हा कुर ज़ाहरा और हमने उनके दरमियान और उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकतें रखी थी एक क़रन ज़ाहरा एक नुमाया सरेराह बस्तियाँ भी आबाद कि वदरना फ़ीह सैर और उनके दरमियान सफ़र की मंजिलें ठहरा दी कि वो जब सफ़र करें तो एक दिन में इतना करें और उसके दौरान उसके उसके बीच में वो अरेंजमेंट थी जिसमें वो ठहर सकते थे सीरू फ़िया ला, लिया, तुम इसमें सफ़र करो लिया व यामन आमिनीन, रात को भी और दिन को भी बगैर किसी खौफ के ख़तरे के फ़ालु तो उन्होंने कहा रब बनाए हमारे रब बात बीना सफ़ारना तो हमारे सफ़रों में दूरी पैदा कर दे वम अफसम और उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाए व जालना हम तो हमने उनको अफसाने बना दिए किस्से पारीना बना दिया व मजक मज्ख़ ना हम कुल्ल ममज्क और हमने उनको बिल्कुल तितर बितर कर दिया इन्नफीज़ा लिकाला आयात इसमें बड़ी निशानियाँ हैं लेकुल सब्बारन शक्ूर और सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए इसके बाद फरमाया वाला वाल सद्दा अलि इब्लिस गन्नबू और इब्लीस ने उनके ऊपर अपना गुमान सच कर दिखाया फत तो उन्होंने उसकी इब्लीस की पैरवी की अला मिनल मोमिनीन, सिवाय थोड़े लोगों के जो मोमिनीन में से थे ममाकानलहूल मिनसुल्तान और उसका उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं था इब्बलीस का युमिनु बिल आखिरति ममन हुआ फ़ी हुआ मिन हा मिफ़ी शक सिवाय इसके कि हमने उसको उनके वरगलाने के लिए इसलिए आज़ाद किया ताकि हम जान लें कि कौन है कि जो आखिरत पर सच्चा ईमान रखता है और वो कौन है कि जो उसके बारे में शक में मुब्तला है व रब का अला कुल्ली हफीज़ और तुम्हारा रब हर चीज़ का निगरान है आयत नंबर तेईस में अल्ला फरमाते हैं वला तनफा शफ़ात अन अजनू और उसके यहाँ कोई सिफारिश काम नहीं काम नहीं आएगी सिवाए उसके लिए कि जिसके लिए वो ख़ुद इजाज़त देगा कुछ लोग होंगे दरमियान वाले कि जिनके बारे में अल्लाह ताला फ़रमाएंगे कि इनके लिए सिफ़ारिश हो सकती है ये नहीं होगा कि सिफारिश करने वाले ख़ुद अपनी मर्ज़ी से तय करेंगे कि किसकी सिफ़ारिश हो अल्लाह है कि जो इजाज़त देगा बाज़ों के बारे में हताज़ाफ़ फ़न क़ुलू बहिम यहाँ तक के जब उनके दिलों से दहशत दूर हो जाएगी कलू माजा कला रब तो वो पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या हुक्म फ़रमाया क़ाल तो वह जवाब देंगे कि बिल्कुल हक़ इरशाद हुआ वह वहलीबीर और वह नहायत ऊँचे मक़ाम का और अजीम है आगे फ़रमाया आयत नंबर अट्ठाईस में अमार सफ़तनास बशीरम व नज़ीरा और हमने नहीं बनाया है पैगम्बर आपको मगर तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और ख़बरदार करने वाला भलाकन्ना अक्सर ना सिलामून मगर लोगों की अक्सरियत नहीं जानते आपको ये पैगाम मिला है ये खुशखबरी भी है ये वार्निंग भी है और ये तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है आयत नंबर सैंतीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा वालकुम वला औलादुकुम बिल्लती तकर्रबकुम इंदना और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वो चीज़ नहीं है जो तुम जो तुम्हें हमारे करीब ले आए तुकर्रबकुम इंदना जुल्फ़ा इल्ला मन आमना व आमिलान अलबत्ता जो ईमान लाए और नेक अमल करे फौलाए का लहुम जजा उदैफ़ जजा उदैफ ये लोग हैं कि उनके लिए उनका उनके अमाल बढ़ा चढ़ा दिए जाएंगे यानी क़द्र क़ीमत में बिमा आमिलूँ इस वजह से कि जो उन्होंने अमल किए वह फिलफ़ात आमिनून और वो जन्नत के ऊँचे महल्लात बाला खानों में अमन में होंगे आयत नंबर चौवन इस सूरह मुबारक की आखिरी आयत है वो कहती है कि वहीला बिनगुम व बई नमा यशतुना और इनके यानी इनकार करने वालों के और उनकी चाहतों के दरमियान दीवार हायल हो जाएगी कमा फोयला भी अशियान कबल जिस तरह इससे पहले उनके हम मशरबों उन्हीं की तरह की पिछली कौमों के लोगों ने किया और उनके साथ मामला हुआ इन नहुम कानू फ़ी शक के मरीब वो भी इसी तरह से ऐसे शक उलझन में पड़े हुए थे कि जो बहुत मज़बूत गहरे शकूक थे इसके बाद सोरह फातिर है जो सूरा नंबर पैंतीस है जो इस सूर सूरह सभा की जोड़ा सूरः है हौज़ बिल्ला रजीम शैतानजीम बसमल रहीम ही फ़ातर समावाती व तमाम शुक्र का हकदार वो अल्लाह है कि जो आसमानों और ज़मीन का खालक है जाअलमलाईकती फरिश्तों को वो बनाने वाला है पैग़ाम रसाम पैग़ाम पहुँचाने वाला ऊली अजन हतिन ये फ़रिश्ते कौन हैं ये परों वाले हैं मसना व सलासा व रुबा दो दो तीन तीन चार चार क्या इसकी हकीक़त है उसकी क्या तफसत हैं हम नहीं जानते ये मुतशाबहत आयात हैं जिनको अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बताने समझाने के लिए दुनियावी ज़बान में दुनियावी तसवूरत में जो क़रीब तरीन था उसके लिहाज से हमें बता दिया यजीद वफिल्ल क़ीमा यशा वो अपनी तखलीक में जो चाहे इजाफा कर देता है इन अल्लाह अलाकली कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है आयत नंबर तीन में फ़रमायाईन्नास ए लोगो उज़ कुरू ने ममत आम याद करो अल्लाह की वो नेमत के जो उसने तुम पर की यानी ये ज़िंदगी और इसमें जो कुछ भी तुमको मिला हल मिन गैर अल्लाह गैर अल्लाह क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी खालिक है यरज़ुकुकुम यर्स वल वलार जो आसमान और ज़मीन से तुम्हें रिस्क पहुँचाता है ला इलाहा अला नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके फअन्ना तुफ़कून तो तुम कहाँ आंदे हुए जाते हो उसके बाद आयत नंबर पाँच में ताला फरमा रहे हैं या यू अन्ना से लोगो इन नवाद अल्ला अल्लाह का वादा सच्चा है फ़ला तगुर कुमाल हयात दुनिया तो देखो कहीं तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में मत डाले भला यानकुम बिल्ला और देखो कहीं तुम्हें वो धोखेबाज़ वो फरीबी शैतान तुम्हें धोखे में ना डाले फरमाया किन्नः शैतान लकुम अदूफ़ ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है पत तो तखिज़ू व दुबा तुम उसको दुश्मन ही की हैसियत में रखो उसको तुम दुश्मन ही समझो इनमा यदरुह हिज़बहू वो तो अपने गिरोह को बुला रहा है ले यकून मिन असाब सैर ताकि वो आग का ईंधन बन जाए इसके बाद आयत नंबर आठ में लल्ला फरमाते हैं अफ़मन अफाम तो भला बताओ तो कि क्या वो के जिसके बुरे अमल ख़ुशनुमा बना दिए गए अट्रैक्टिव बना दिए गए फराहु हसना तो वो उनको अच्छा अच्छा देखता है अच्छा समझता है क्या वो ईमान लाने वाला बन सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस बुराई के साथ ईमान ले आए फिनल्ला युद्लुमाइा तो अल्लाह है कि जो गुमराह करता है जिनको चाहता है बियादी शाह और वही है कि जो हिदायत देता है जिनको चाहता है जिन्होंने खुद बुराई को इख्तियार और वो उसको पसंद करते हैं वो हिदायत कैसे पा सकते हैं फला तज़ब अलैहिम हसरात तो उनके गम में तुम अपने आप को हल्का न कर दो इन अल्लाह बिमा बमा अल्लाह जो कुछ वो करते हैं उसको खूब जानता है आयत नंबर चौदह में अल्लाह इरशाद है इन تدعوهم لا ला यस्माऊ दुम देखो अगर तुम इनको पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे वलव समय और अगर सुनेंगे भी मस्त जाबुम तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे कियामा और क़यामत के दिन यकफरू नबिशिर वो तुम्हारे शर्क का इनकार करेंगे वो अल्लाह के सामने ये बात बयान कर देंगे कि ये हमें तेरा मद मुकाबिल नहीं बनाते थे हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है वनाब का मित्र ख़बीर और दूसरा तुम्हें कोई आगाह कर सकता है इस तरह के मामला के बारे में सिवाय एक बाखबर के इसके बाद आयत नंबर पंद्रह में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या नास कह लोगो अंतुम्फ़रा तुम मोहताज हो अल्लाह के व्ला हो हमीद और अल्लाह है के जो बेन्याज है तारीफ़ किया गया है उसके यहाँ कोई कमी नहीं है और वो बग़ैर किसी से कोई ज़रूरत रखे भी लोगों को नवाजता है इन यशा कुम अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए फना कर दे व या तबी खल्क़न जदीद और कोई दूसरी और मखलूक़ नई मखलूक़ ला खड़ी करे ममा अल्लाह ही भी अजीज़ और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं आयत नंबर अठारह में वला तज़र व वजरा उखरा और कोई बोझ उठाने वाला क़यामत के रोज़ किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा वहीं तद्रस्लत हिमलहा और अगर कोई बोझ उठाने वाला बोझ लादा हुआ किसी दूसरे को अपने बोझ की तरफ बुलाएगा कि मेरी मदद करो ला यु हमल मन हुईन तो उसके उससे कुछ नहीं उठाया जाएगा उससे कोई बोझ शेयर नहीं किया जाएगा वलवकाना ज़ारबा अगरचे कि वो जिसको बुलाएगा वो उसका रिश्तेदारी क्यों ना हो इमा तुंजरलज़ीना ए पैगम्बर आप तो ख़बरदार सिर्फ उन्हीं को कर सकते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं बिलगैब गैब में रहते हुए जो बग़ैर देखे इस बात को अपनी अक्ल और अपनी फ़ितरत की रोशनी में जानते हैं कि उनका रब मौजूद है जिसने उनको बनाया है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है वाकाम असलात और ये लोग हैं कि जो नमाज़ का अहतमाम करते हैं मन तजक्का और जिसने अपने आप को पाक किया अपना तजकिया किया पान्मा या तजक् नफसी तो उसने तो अपना तजकिया किया अपनी ही बेहतरी के लिए वाई मसीर और अल्लाह ही की तरफ सभी की वापसी होगी आयत नंबर सत्ताईस और अट्ठाईस में फरमायाम तरा अन्ला क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया फ़ाखरजना भी समारातिन मुख्तल अलवान हुआ फिर हमने निकाले उसके ज़रिए से ऐसे फल जो मुख्तलिफ रंगों के होते थे होते हैं वमिनल जमाल जुदादुन बीजुन और पहाड़ों में भी सफ़ेद होते हैं वमरा और सुर्ख रंगों के होते हैं मुख्तलफुन अलवान हुआ और मुख्तलिफ रंगों के होते हैं बराबी वसूद और बिल्कुल काले भुजंग होते हैं वमिन ना सिवा अनाम और इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी मुख्तलिफ उन अलमानों मुख्तलिफ रंगों के हैं इन्नमा इमा यक्षबाद अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में से तो सिर्फ़ वही हैं कि जो इल्म रखने वाले हैं जो हकीक़त में जानने वाले हैं गफूर यकीनन यकीन गालिब और मगफरत करने वाला है इसके बाद आयत नंबर बत्तीस में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने अपने पैगम्बरों को भेजा और उन पैगंबरों ने लोगों को दावत दी कुछ ईमान लाए जो रसूलों का इनकार करने वाले थे उनको अल्लाह ने नेज़ाब देकर सफ़े हस्ती से मिटा दिया फरमाया और किताब फिर हमने किताब का वारिस बनाया अजीन सफ़ैना मिन बान उन लोगों को जिनको अपने बंदों में से हमने चुना मंतखब किया पमिन खुम उनमें से वो भी हैं कि जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले चान बूझ कर गुना करने वाले हैं अमिन वा हम मुख्त और कुछ उनमें माना रवि इख्तियार करने वाले हैं अमिन वा हम सबकुन बिलखैरत और कुछ वो भी हैं कि जो खैर के कामों में सबकत लेने वाले हैं बेज़नला केज़न से ज़ालिका हवल फजलबीर और यही सबसे बड़ा फजल है फरमाया जन्ना तो अदन यद खलू नहा उनको ऐसे बागात में दाखिल किया जाएगा जो हमेशगी के होंगे यद ख़लू नहा वो दाखिल होंगे उनमें योहल्लाफ़ी हा मिन असावरा उनको उनमें पहनाए जाएंगे कंगन मिन जहाबिन सोने के वलुआ और मोती पहनाए जाएंगे व लिबास हमफी हरीर और उसमें उनका रिबास, लिबास लिबास रेशम का होगा अक़ान अलहमदिल्लि अजहा अजहबा हज़न वो कहेंगे कि तमाम शिक्र सा के लिए है कि जिसने हमसे गम को दूर कर दिया इन रबना लग़ुर शकूर यकीन हमारा रब मखफ़रत करने वाला है और शकूर है कबूल फ़रमाने वाला है क़दरदानी करने वाला है अजी अल्लना वो कि जिसने हमें उतारा दार दारल्मु, मुकामती उस घर में कि जो इकामत का घर है मिन फ़ल्ले ही अपने फ़ज़ल से हमें रहने के लिए उसने बेहतरीन घर दिया ला यम सुना फ़ी हा इसमें ना हमें कोई कोई तकलीफ़ होगी वला यमस्सुना फ़ीहा लगूब और ना ही इसमें कोई थकान लाक लाख होगी ये बेहतरीन जगह है जो उसने हमको अता फ़रमाई है फरमाया आयत नंबर उनतालीस में वल्लज़ी जालकुम ख़लाए फिल वही है जिसने तुमको ज़मीन में जानशीन बनाया फमन कफ़रा फल ही कुफरू तो जो कुफ्र करेगा तो उसी पर उसके कुफ्र का नतीजा सादिर होगा भला यजीदुलकाफ़रीन كفرهم عند ربهم मिला मख्ता और काफिरों के कुफर का अल्लाह के हाँ नतीजा कुछ नहीं निकलता सिवाए उसके गज़ब के भला यजीदुलकाफ़रीफ़्रमिल्ला खसारा और नहीं इजाफा करता काफ़िरों के कुफर काफिरों का कुफर सिवाए उनके नुक़सान के यानी वो इजाफा करता है अल्लाह के गज़ब गुस्से में और वो इजाफ़ा करता है उनके नुकसान में फरमाया कि कुल आर आई तुम इनसे पूछो भला बताओ तो श्रकाज़ीना तदवून मंदून ला ये जो तुम्हारे वो शरीक हैं कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा अरूनी माजा खलकू मिन मुझे दिखाओ तो सही कि उन्होंने ज़मीन में क्या बनाया है अम लहम शिरकुन फिस समावत या आसमानों में उन्होंने कोई शिरक किया है अम आतना गुम किताबन या हमने उनको कोई किताब दी फहम आला बना तमिन तो वो उस किताब की वजह से उसकी जानब से बिल्कुल रोशनी में है बल इन यादवना बाम बाद बान रूरा नहीं बल्कि बात यह है कि ये जालिम इनमें से बाज बाज़ दूसरों को धोखा देते हैं आखिर में आयत नंबर पैंतालीस में फ़रमाया कि वलाउ युवा खिज़ुल्ला सब माँ कसबू और अगर ऐसा होता कि अल्लाह लोगों को उनके आमाल पर फ़ौर ही पकड़ लेता मा तर का अला ज़ाहर हा तो उसके पुशत पर ज़मीन के ऊपर वो न छोड़ता किसी भी जानदार को वाला कहीं यू अखिर मिला अजल मुसम्मा मगर ये मेहरबानी है उसकी कि वो उनके लिए मौखर करता है उन्हें ढील देता है एक मक़र मुद्दत तक के लिए फैजा जा आजल हम फिर जब उनकी वो मुद्दत आ जाएगी फ़ाइन अल्लाह काना बेबाद ही बसीरा, तो अल्लाह अपने बंदों को ख़ुद देखने वाला है यानी वो सब कुछ देख रहा है उनका हिसाब किताब लेने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इसके बाद सरह यासीन है जो एक मुनफरद सूर है यानी ये वो सूर मुबारक है कि जिसका किसी दूसरी सूर से जोड़ा नहीं बनता ये इस सूरतों के ग्रुप में पहली दो सूरतों सरह सबा और सूर फातिर के बाद एक नए दौर के आगाज़ का इसमें बयान है यानि में हजत का सो यहाँ से ये ग्रुप इंजार आम से इतमाम हजत की तरफ मुंतकिल होता है और इसमें हम ये देखेंगे कि इतमाम हजत के मजमून ही के रियायत से अल्लाह ताली ने जो इनकार करने वालों को उनके इनकार पर तंबीह की उसकी शिद्दत कहीं ज़्यादा बढ़ गई इसमें खिताब क्रैश मक्का से शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम ये सरा यासीन है मैं ये बार बार बता चुका हूँ कि सूरतों के, के शुरू में रूफ़ मुकत्त अपने अंदर और भी मानी रखते हैं जिनकी तहक़ीक जारी रहनी चाहिए मगर ये इन सूरतों के नाम भी हैं वल कुरानिल हकीम गवाह है पुरिकमत कुरान ये कुरान कुरान मजीद में जहाँ कस्में आई हैं ये कस्में जहाँ भी आई हैं वो ये मफहूम रखती हैं कि अल्लाह गवाही पेश कर रहा है दलील सबूत पेश कर रहा है उस बात का कि जो बाद में बयान होने वाली है बाद में जो बात बयान हुई है वो है इन नकल अमिनमरसलिन आप यकीनन रसूलों में से हैं लेकिन इसका सबूत क्या है ये पुरहिकमत कुरान वल हकीम गवाह है ये पुरहिकमत कुरान ये कुरान के जिस जिसके मजामीन में वो हमत है कि जिसको पढ़ के इंसान ये महसूस करता है कि मेरे अंदर की आवाज़ है कि जो यहाँ पूरी हो रही है जिसका मैं यहाँ अदा देख रहा हूँ इसमें जो कुछ बयान हुआ है गोया ये मेरे दिल में है सो ये हमत वाली किताब है कि जो जब किसी को समझ में आ जाए जब कोई इसको संजीदगी से पढ़े तो उसके अंदर इस बात की शहादत गवाही खुद ब खुद पैदा हो जाती है कि पैगम्बर मोहम्मद सल्ला वम कि जो इस कुरान को लेकर आए हैं अल्लाह की तरफ से यकीनन वो रसूलों में से हैं आला सरातम मुस्तकीम और एक नहायत सीधी राह पर हैं आप यकीनन रसूलों में से हैं आप एक नहायत सीधी राह पर हैं तंज़ील आज़ीज़ रहीम इस कुरान का अहतमाम के साथ उतरना हुआ उस जात की तरफ से कि जो गालिब है और जिसकी रहमत हमेशा के लिए है लितंज़रा ये क़ुरान इसलिए नाजिल हुआ लितुनज़्रा ताकि आप ख़बरदार करें कौमन उस कौम को माऊन ज़रा आबा हम जिनके आबा अजदाद जिनकी पिछली नस्लें खबरदार नहीं की गई फम गाफिलून चुनाचे वो गफलत में पड़े हुए हैं नक़द हक्ल क़ल अला अक्सर हिम उनमें से बहुत सों पर बात पूरी हो गई फ़मला युमिन चुनाचे वो ईमान लाने वाले नहीं बनेंगे यानी ये क्रैश के लोग जिन्होंने इनकार कर दिया इनकार में शिद्दत आ गई दुश्मनी पर उतर आए उन्होंने मानने से ऐसा गुरेज किया कि अब उनके दिलों पर पर्दे पड़ गए हैं ये अब ईमान नहीं लाएंगे ये चूंकि सूरा ये सारा ग्रुप क्रैश को खिताब कर रहा है उनकी लीडरशिप को ये कहा गया और ये बात बिल्कुल वाजह हो गई कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं लाए और बदर के मैदान में वो मारे गए फरमाया कि इन्ना जालना फ़ीआना कहम अगलालन हमने उनकी गर्दनों में तोक़ डाल दिए हैं फ़ही अल जो उनकी थोड़ियों तक हैं बांध दिया गया है फ़हम मकमहूम बस उनके सर उठे रह गए हैं यानी अब वो दाएँ बाएँ नहीं देख सकते हैं। वो हिदायत से महरूम कर दिए गए हैं बजाना मिम बिन आईदी हिम सद्दम व मिन खलफ हिम सद्दन और हमने उनके आगे भी एक रोक खड़ी कर दी है और उनके पीछे भी एक रुकावट है पाखशी ना हम तो हमने उनको घेर लिया है फमलायुबरून तो वो अब देखने के काबिल नहीं है उन्हें कोई बात सुझाई नहीं देगी बस सवाउन अल और उनके लिए बराबर है आनजरता हम चाहे आप उनको ख़बरदार करें अमल तंजिर हूँ या आप उनको ख़बरदार न करें लान वो ईमान नहीं लाएंगे इन्नमा तंजरु आप तो सिर्फ़ ख़बरदार कर सकते हैं मने तबा ज़िक्रा जो नसीहत पर ध्यान करें उसको संजीदगी से सुने ब़शर रहमाना ग़ैब और रहमान से गैब में रहते हुए बिन देखे वो डरता हो वशर हम भी मग़फ़रतन तो आप उनको खुशखबरी सुनाइए मगफ़रत की व अजरन करीम और एक बाज़्ज़त अजर सिले की इन्ना नाहनु नमता हम ही हैं कि जो मर्दों को जिंदा करेंगे व नक तबूँ माकदमू व आसारा और हम जो कुछ उन्होंने आगे के लिए बढ़ाया और जो कुछ पीछे छोड़ा हम सबको लिख रहे हैं नोट कर रहे हैं नकतबू नकुल्ला शई ना सई ना हूफ़ी इमाम मुबीन और हमने हर चीज़ एक बाज़े किताब में महफूज कर ली है यानी मतलब ये है कि जब हिसाब किताब का दिन आएगा तो हम इनके सारी अमल की तफसीत सबसे वाकिफ़ होंगे और उनको उसी हिसाब से उनका उनकी अकाउंटबलिटी होगी और फिर उनको सज़ा मिलेगी बदनबलगम मतलन असहाबल करिया और उनको उन बस्ती वालों की मिसाल सुनाओ इस इज जासनून वो बस्ती वाले जिनके पास रसूल आए इस अरसलना इले उस नईम जब हमने उनके पास भेजे दो यानी दो रसूल भेजे फ़कज़ जबू हुमा, तो उन्होंने दोनों का इनकार कर दिया फज्ज ना बिफालसिन तो हमने उनको एक दूसरे एक तीसरे से उनकी तायद की इन्ना इलेकुम इकुमरसलूनून तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे हुए हैं यानी हमें अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है खालुमातुम्ला बशरुम मिसल उन्होंने कहा कि नहीं तुम हमारी तरह के एक, एक इंसान हो ममान जलाहमानशई और रहमान ने कोई चीज़ नहीं उतारी इन अंतमिल्ला तक जिबून तुम लोग बिल्कुल छूट का दावा करते हो झूठ बोलते हो खाल रबुना यालम्नासलून उन्होंने कहा कि हमारा रब खूब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं माँ अलैना मुबीन और हमारी ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं सिवाय साफ साफ पहुँचा देने के वाज़े तौर पर पैगाम को पहुँचा देने के कालू इन्ना तैयारना बिकुम उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मनहूस समझते हैं यानी जो अल्लाह की तरफ से अपने क़ानून के मुताबिक उन पर आफतें आईं उनके उनको देख के बजाय इसके कि वो आंखें खोलते उन्होंने कहा कि हम तुमको मनहूस समझते हैं लिलम तन तू अगर तुम न रुके नर जुमन कुम, तो हम लाजमन तुमको रजम कर देंगे संसार कर देंगे न कुम मन्ना आज़ाब नलीम और हम और तुमको हमारी जानब से एक दर्दनाक अजाब पहुँचेगा यानी बजाय इसके कि वो बात को मानते उन्होंने उसकी ऐसी शदीद मुखालफत की कि वो अपनी आखिरी हद को पहुँच गए कल रकुम माकुम उन्होंने कहा यानी रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नफूसत तुम्हारे साथ है यानी अगर कोई नफूसत है तो वो तुम्हारी अपनी है आइन जक़िर तुम क्या तुम याद दहानी हासिल नहीं करोगे बल तुम कौम मसरफून नहीं बल्कि तुम तो हद से आगे बढ़ जाने वाले लोग हैं यही वो चीज़ है जिसके बारे में मैंने गुजारिश की थी कि लब लहजा सख्त हो गया है और तम है कि जो अब उस सतह को पहुँच गई है कि जो इतम हजत की सतह है वजह अमिन अक्सल मदीनते रजुल यसा और आया शहर के किनारे से एक शख्स भागा हुआ भागता हुआ आला या कौम तबरसिन उसने कहा है मेरी कौम के लोगों इन रसूलों की पैरवी करो ये तब्लासअलकुम अजरन महम महतदूँ उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहे और वो खुद हिदायत पर हैं नज़र आ रहा है कि वो सीधे रास्ते पर नेक अच्छे लोग हैं मान लिया ला आबुदल लज़ी फ़तर और क्या वजह है क्यों ना ऐसा हो कि मैं इबादत करूँ उसकी कि जिसने मुझे पैदा किया विल ही जाऊँ और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे आ तखिज़ु मंदूनी ही आलिहा क्या मैं उसके अलावा किसी और को माबा मबूद बनाऊँ इुरर रहमान कि अगर मेरे बारे में रहमान चाहे भी किसी नुकसान का फैसला करे लातगनी अन्नी शफ़ा तो हम शैया तो उनकी सिफ़ारिश मेरे कुछ नहीं काम आ सकेगी बला खिज़ून और ना ही वो मुझे छुड़ा सकेंगे इन्नी जन लफ़ी दलाल मुबीन मैं उस सूरत में एक खुली गुमराही में हूँगा इन्नी आमन तुम रब मैं ईमान लाया अपने रब पर फसमा तो तुम मेरी बात सुनो कीलत क़ीत जन्ना मालूम होता है कि उन्होंने उनको शहीद कर दिया उनकी ये सारी बातें सुन के उनको कत्ल कर दिया कीलत क़ीत जन्ना इरशाद हुआ जन्ना। जन्नत में दाखिल हो जाओ खाला आलई तो कौमी आलमून उन्होंने कहा का कि काश के मेरी कौम जानती यानी उनका अपनी कौम के लिए दर्द इतना था कि उन्होंने उनको जान से भी महरूम कर दिया और वो उसके बाद भी अपनी कौम की दर्द में कहने लगे कि काश के मेरी कौम के लोग ये जाने बिमा गफ़र अली रबी कि जो मेरे रब ने मुझे माफ़ किया व जालनी मुकरमीन और मुझे इज़्ज़त पाने वालों में से बनाया आगे आयत नंबर इकतीस में अल्ल फरमाते हैं अलमजरू कम अहलकना कबल हूँ क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो हमने हलाक की बस्तियाँ इनसे पहले कौमें इनसे पहले मिनल क़ुरून कौमों में से बस्तियों में से अनः ला यरजून के वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आते वैन कुल जमी उल्लदीना महदरून और ये सब हमारे ही हुजूर में हाजिर किए जाएंगे आयत नंबर तेंतीस में फरमाया वायतुलरदुलमता और इनके लिए निशानी है मुर्दा ज़मीन में आह हमने उसको ज़िंदा किया व अखरज ना मिना हब्बन और हमने उसमें से निकाले गले फमिन हु या कुलून बस उसमें से वो खाते हैं व जालना फ़ीहा जन्नातम मिन नखील और हमने उसमें लगाए बाग मिन नखील खजूर के व आनाब और अंगूरों के व फजर ना फ़ीहा मिनलून और हमने उसमें चश्मे जारी कर दिए लिया मिन इन तमरी ताकि वो खाएँ उसके फलों में से ममा आमिलत हु दी हिम और ये उनके हाथों का नतीजा तो नहीं है उनकी अपने मेहनत हाथों की कारगुज़ारी तो नहीं है अफला यशरून तो क्या है वो शुक्र नहीं करते सुबहानलजी खलक़ुल्ल पाक है हर ऐप से वो ज़ात कि जिसने हर किस्म के जोड़े पैदा किए मख्तल अकसाम की, की नमतें पैदा कि मम्मा तुम बित उनमें से भी कि जो ज़मीन उगाती है अमीन अनफ हम और इन लोगों के अंदर भी जोड़े पैदा किए मायामून और उन चीज़ों में भी कि जिनको वो जानते भी नहीं आयत नंबर पैंतालीस से जो मज़मून हो शुरू होता है उसमें फ़रमाया वहीज़ाक़ी तकुमा बैना ईदी कम वमा ख़लफ़म लकम तुरहून और जब उनसे कहा जाता है कि तुम डरो उससे कि जो तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे है ताकि तुम पर रहम किया जाए यानी इसका बड़ा इम्कान है कि तुम पर कोई भी अज़ाब आ सकता है तुम्हारे आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से तो वह बजाय इसके कि उस पर तवज्जो करें वह एराज करते हैं इम मिन, मिन आयात नायात रब हिम और नहीं आती उनके पास कोई निशानी उनके रब की निशानियों में से इल्ला कानू अनहा हा मोरिदीन मगर ये कि वो उससे एराज करते हैं उसको टालते हैं फरमाए के वईज़ाकी क़ील लहुम फ़िकुम इमां रज़ाकुम्ल्ला और जब उनसे कहा जाता है कि तुम खर्च करो उसमें से कि अल्लाह ने तुमको जो रिस्क दिया खाल लजीना कफ़रू तो वो लोग कहते हैं कि जिन्होंने इनकार किया लज़ीना आमनू उनको के जो ईमान लाए अनुतमू मल्लव मलव यशाउल्लाहु अत आमा क्या हम उनको खिलाएं कि जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खिला देता हमसे क्यों कहता है कि हम खिलाएं इन अन तुम अला जलाल मुबीन तुम लोग तो एक सरी गुमराहि में पड़े हुए हो व यकूलू ना मता हाज़ अवाद उनकन तुम सदिन और ये कहते हैं पूछते हैं कि ये कब वादा पूरा होगा अगर तुम वाकई सच्चे हो फरमाया ना इल्ला सही हतम वाहिदा ये लोग बस एक डांट ही के मुंतज़र हैं ता हजु हम जो उनको पकड़ लेगी वम यमून और ये जगड़ते होंगे आपस में जगड़ रहे होंगे फरमायत नंबर इक्यावन एक, में व नोफिक फ सुर और सूर फूँका जाएगा फ़ैज़ा हम मिनल अजदाती इला रब हीसलून तो क्या होगा कि अचानक वो कब्रों से निकल कर अपने रब की तरफ चल पड़ेंगे कारू याबैलना वो कहेंगे हाय हमारी शामत मम बसना में मरकदना हमारी आराम गांव से हमारी क़बरों से किसने हमें उठाया हाजा माँ रहमान ये कहा जाएगा उनको कि ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया मुरसलून और रसूलों ने पैगम्बरों ने सच्ची बात की सही हतम वाहिदा वो तो बस एक डांट होगी फैज़ा हम जमी उल्लदीना महदरून बस वो अचानक सब के सब हमारे हुजूर हाजिर कर दिए जाएंगे फल यौम तो आज के दिन लातज़लम शैया किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी वला तो माकुन तुम तामलून और तुम्हें कोई और बदला नहीं दिया जाएगा कोई और तुम्हारे साथ फ़ैसला नहीं होगा तुम्हारे खिलाफ़ सिवाय उन चीज़ों के बारे में जो तुम खुद किया करते थे इन्ना साबल जन्नत युमा फ़ी शोगलिन फ़ाके हूँ जन्नत वाले बेशक अपनी दिलचस्पियों में मगन होंगे हम वाज हम फ़ी आल आरए की मुतकीूँ वो और उनकी बीवियाँ सायों में तख्तों पर तकिया लगाए हुए बैठेंगी बैठेंगी लहुम फ़ी हाक हत व लहुम्मा यदा और उनके लिए उसमें फल होंगे मेवे होंगे और उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो मांगेंगे सलाम उन उनको सलाम कहा जाएगा कौलमिर रब्बर रहीम परवरद रहीम की जानब से ताजुल यौमा यूहल मुजरिमून और कहा जाएगा कि तुम अलग हो जाओ ए मुजरमो आहदिलकुम या बनी आदम क्या हमने तुमसे ये वादा नहीं लिया था तुम्हें यह हिदायत नहीं कर दी थी अल्ला श्यादान, कि अल्लाह शैतान कि शैतान की इबादत मत करो इन व मुबीन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है वाने बदूनी और ये कि मेरी इबादत करो आजा सरा तुम मुस्तकीम ये सीधा रास्ता है वल्क़ अदल्लामिन कुम जबिल्ला कतीरा और उसने तो गुमराह कर दिया तुम में से बहुत सो एक बहुत बड़ी खिलकत को उसने तुम में से तुम लोगों में से गुमराह कर दिया फरमाया कि हाज ही जहम जहन्नमति कुंतुम तो अदून ये है अब वो जहन्नम जिससे तुमको डराया जा रहा था इस लवहल यऊम दाखिल हो जाओ इसमें आज हेमा कुंतुम तकफ़रून इस वजह से कि जो तुम इनकार किया करते थे जानबूझकर कर इनकार करते थे अला अलाफ्वााहिम आज हम उनके मुंहों पर मोहर कर देंगे व तो कल्ले मुनाइदी हिम और हमसे कलाम करेंगे उनके हाथ व तशद और ज़ुलुहम और गवाही देंगे उनके पैर पाँव बिमा कानू यबून उनके आमाल के बारे में जो जो उनके जिसम के आज़ाद है वही उनके खिलाफ गवाही देंगे वलाउ ल तमसना अला आयुन हिम अगर हम चाहते तो उनकी आँखें मिटा देते हैं यानी यहीं पर दुनिया में फस तबक तो फिर वो रास्ते की तरफ बढ़ते युबसरून तो किस तरह देख पाते वलव नशाऊ और अगर हम चाहते लमसखना हूँ तो हम उनको मस्क कर देते अला मकानत हिम उनकी अपनी जगहों पर फमस्तताऊ मुद्न तो फिर उन्हें ना कोई आगे बढ़ सकता उनमें से भला यर्ज और ना ही पीछे लौट सकते आगे फरमाया मनिर हो नक्कीस हो फिलल और जिसको हम ज़्यादा उम्र देते हैं हम उसको उसकी खिलकत में पीछे लौटा देते हैं बोड़ा होता है और फिर जानने के बावजूद फिर कुछ नहीं जान जानने की आ, कैफियत में होता अफलात या किलून तो क्या ये समझते नहीं हैं अमा शरा और हमने इनको यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर की तालीम नहीं दी शेर व शायरी नहीं सिखाई अमा यम बगीला और ये इनके शायन शान भी नहीं ये जिस पाए के आला इंसान हैं उनको इससे कोई इस सरोकार भी नहीं इन हुआ ज़िक्र कुरान मुबीन ये तो एक याद दहानी है और एक नायत वाज कुरान है लियमन कान हे इसलिए है ताकि ये ख़बरदार करें उनको कि जो ज़िंदा हैं व यहल कौलकाफ़रीन और काफिरों पर हजत तमाम कर दे यही इतमाम हजत का मजमून है अवलम यरोन्ना खलकनाल लगम इमा अमिनत आदीना अन आमन क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि हमने अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए चौपाए पैदा किए फ हम लहा मालिकन बस वो उनके मालिक हैं उनके मालिक बन बैठे हैं फजल ना और हमने इनको उनका फर्माबरदार बना दिया फ़ मिन रकूब हम तो उसमें से बाज़ पर वो सवार होते हैं व फमिन याकलूँ और बाज से वो गज़ा लेते हैं खाते हैं उनका गोश्त खाते हैं वल हम फ़िया मुनाफे हुआ मशाफ़ और उसमें उनके लिए और दूसरे फ़ायदे भी हैं और पीने की चीज़ें भी हैं दूध पीते हैं वो अफ़ला यशुर तो क्या वो शक्र अदा नहीं करते फरमाया कि बदतूमून आलहा और उन्होंने उसके अलावा और मबूद बना लिए ला यून ताकि उनकी मदद की जाए ये उन्होंने रवैया इख्तियार किया ला नसर हम वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते वहम लहुम जुन दुम बल्कि वो उनके हाजिर की हुई फ़ौज बनेंगे यानी वो भी उस फौज में शामिल होंगे जिसमें ये लोग शामिल होंगे फ़ला या हज़न का क़ोल हम तो ए पैगम्बर आप इनकी बातों पर गम न कीजिए इन्ना नालमू मा यूसरून हम खूब जानते हैं जो कुछ ये छुपाते हैं माँ युलिन और जो कुछ ये ऐलानियाँ करते हैं अवालमरल इंसान क्या इंसान ने गौर नहीं किया अन्ना खलकना उमुतफ़ा कि हमने उसको पानी की एक बूंद से पैदा किया पैजा हुआ खसीम व मुबीन फिर वो एक खुला हुआ झगड़ा करने वाला एक मुखालिफ बन गया यानी अपनी औक़ात देखो अपनी ओरिजिन देखो और पैदा होने के बाद कुछ तुम्हें ताकत कुछ इल्म कुछ तजर्बा मिलता है और तुम खुदा और उसके पैगाम के ख़िलाफ़ खड़े होते हो ज़रा बलाना मसला मनसी खलका और उसने हम पर फपती चुस्त की तंज करता है और अपनी पैदाइश को भूल गया खाला मई योह एज़ाम वहिया रमीम कहता है कि भला हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है जबकि वो बोसीदा हो जाएंगी कुल यू अलजी अनशाह अव्वला मर्रा इनसे कह दो कि वही जिंदा करेगा जिसने इनको पहली मरतबा पैदा किया वह हुआ खलकिन अलीम और वो अपनी मखलूक से अच्छी तरह बाखबर है यानी उसे तमाम तफसीलात मालूम हैं क्या उनके वजूद का हिस्सा कहाँ है इन सब को कैसे जोड़ कर दोबारा उठाना है फरमाया कि من जालकुमिन शजर नारा जिसने तुम्हारे लिए सरसब्ज दरख्त से आग पैदा की पैज़ा अन तुम मिन हो तो खिदून बस तुम उस आग से जलाते जला लेते हो यानी ये अरब में एक दरख्त की तरफ इशारा है अगरचे के वो सब्ज सरसब्ज होता है लेकिन उसमें से आग निकलती है जो आम तजर्बे से मुख्तलफ है अल्लाह तुदरत में सभी कुछ है अवई सल नज़ी ख़लक समावाती वलारदा भी क्या भला वो कि जो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया वो इस पर क़िर नहीं हो सकता अलाई अखलूक मिसल कि उन्हीं की तरह पैदा करे वो दोबारा भला क्यों नहीं बहुल खलाकलीम वो असल पैदा करने वाला है और सब कुछ जानने वाला है फरमाया कि नवा अमरहू उसका फैसला तो इज़ा अराधा शैगन जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है उसका फ़ैसला तो ये होता है कि आई यकूल कन के वो कहता है कि हो जा फ यकून तो हो जाता है यानी अल्लाह ताला को इस मामले में कोई जहमत नहीं होती कि वो किसी चीज़ का फ़ैसला करे तो आखिर वो कैसे होगा उसके लिए तो अपने उस फैसले और इरादे को नाफिस करने के लिए बस इतना ही कहना काफ़ी होता है कि हो जा और वो हो जाता है यानी अगर कोई चीज़ फ़ौर होने वाली हो तो फ़ौर हो जाती है या अगर किसी के होने में कुछ वक्त लगता लगता है तो फिर उसके होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है अल्लाह ने दुनिया में बहुत सी ऐसी अपनी तखलीकात रखी हैं कि जिनके पैदा करने के लिए उसने एक तदरीज रखी है बीज है उससे आहिस्ता आहिस्ता कोमपलें निकलती हैं पौधा बनता है बढ़ता है यानी दरख्त बन जाता है लेकिन बहरहाल इसमें वक्त लगता है अल्लाह का फैसला तो कौन होता है हो जा और फिर जब वो कहता है कि हो जा तो फिर उसका वो प्लान होने लगता है फरमाया कि पसुबहान लज़ीब यदी ही मलकूत कुल्ली शई तो पाक है हर ऐप से वो ज़ात कि जिसके हाथ में हर चीज़ की बातचात है हर चीज़ का इख्तियार है वो पाक है इस ऐप से इस कमज़ोरी से कि वो जो चाहे वो कर ना सके उसके यहाँ उसकी ज़ात में ना उसकी सिफात में कोई कमी कोई खामी है उसकी तमाम सिफात मुकम्मल हैं और तमाम सिफात बैक वक्त कार फरमा है उसके यहाँ किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है तो फरमाया फसुबहानी यदि ही मलकूत कुल्ली शई तो पाक है हर ऐप से वो जात कि जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत अख्तियार है वह इले ही तरज और जान लो कि उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे अकुल हाजा वस्तफर वलकुम वल साायरमसमिनमसलिमात